हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। जेई मेंस पीवाईक्यू क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे अब हम लोग। क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ आएगा कि इसमें क्या लगेगा। हेनरी साहब लगेंगे कि रॉल्स साहब लगेंगे कि रिलेटिव लोअरिंग लगेगा, है ना। तो लिक्विड एम एंड रिलेटेड एम, जैसे ही हमने देखा कि दो लिक्विड है और दो लिक्विड होते साथ समझ जाना चाहिए कि रॉल्स साहब की तरफ क्वेश्चन जा रहा है। ये दोनों मिलके एक आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं और वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड का दिया हुआ है, तो फिर वही खेल हो गया। ये तो दो लोग होंगे जरूर घोल के अंदर, एक का मोल फ्रैक्शन दिया होगा, दूसरा का भी दिया होगा। फिर प्रेशर निकाल सकते हैं कैसे, मोल फ्रैक्शन इनटू उसका प्योर प्रेशर, है ना। वैसे ही पी बी निकाल सकते हैं, प्योर प्रेशर ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये सब अपने को पता है। देन करेक्ट स्टेटमेंट इज, और यहाँ देख सकते हैं एक्सम मोल फ्रैक्शन ऑफ एम इन सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे एम लिख देते हैं, यहाँ पे एन लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा लग रहा है, जो उनका एब्रिविएशन है वही यूज़ कर लेते हैं, क्या ही जा रहा है ना। तो ये पी एम हो गया, ये पी एन हो गया। हमारा ए और बी चलता था आज तक हमारे लाइफ में, अब हम एम और एन से काम चला लेंगे। वेपर फेज में भी बोला है तो पक्का डाल्टन साहब भी लगेंगे, और डाल्टन साहब हवा में लगते हैं, हम सबको पता है हवा में लगते हैं। और हवा में क्या बोलते हैं हम लोग कि भाई साहब टोटल प्रेशर जो होता है वो पी ए प्लस पी बी होगा, यहाँ पे पी एम प्लस पी एन लिख देंगे। और टोटल प्रेशर में अगर आप मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन ऑफ एम को यहाँ क्या बोला है वाई एम, तो पी एम आ जाएगा। वैसे ही टोटल प्रेशर में आप मोल फ्रैक्शन ऑफ एन इंटू लाई करेंगे तो पी एन आ जाएगा। ये सब बात हम लोगों को पता है। अब इस रिलेशंस को देख के लग रहा है कि एक्स बाई एक्स चाहिए, वाई बाई वाई चाहिए, ठीक है। देखते हैं कौन कौन से इक्वेशन यूज़ कर पा रहे हैं। सबसे पहले पी एम लिख लेते हैं, फिर यहाँ पे इस टू पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा और क्या। तो सबसे पहले लिख लेंगे पी एम, पी एम नॉट, पी एम नॉट कितना है 450 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स एक्सम। सिमिलरली पी एन आ जाएगा, है ना। पी एन क्या है 700 इंटू एक्स ऑफ एन, ठीक है। एन का दिया हुआ है 700, रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है, देख लेना है गौर से। अब हम लोग को पता है ये वाले इक्वेशंस, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इसको बोल देते हैं इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, वन डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। ये अपन किससे लिखें, फ्रॉम रॉल्स, मिस्टर रॉल्ट को यूज़ करके ये लिख लिया। वन डिवाइड बाई टू करेंगे तो क्या होगा, पी टी पी टी कट जाएगा, वाई एम बाई वाई एन आ जाएगा, पी एम बाई पी एन। अच्छा लगा देख के, क्यों, पी एम और पी एन का इक्वेशन पता है, उसका वैल्यू सब्सिट्यूट कर देते हैं। 450 एक्स एम आ गया, वाई और एक्स का रिलेशन, ठीक है। 45/70 आ रहा है ये नंबर, विच इज़ 9/समथिंग, 5 9 जा 45, 5 1 जा 9/14 इंटू एक्स एम बाई एक्स एन। अब ये बात बताइए, दो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस है, और एल एच एस और आर एच एस में एक टर्म वन से छोटा है, स्मॉल देन वन, स्मॉलर स्मॉलर देन वन। तो अगर ये आंसर आ रहा है तो क्या ये बोल सकते हैं कि ये वाला बिगर रहा होगा, इससे ये एक बिग रहा होगा तो ये स्मॉल आंसर आएगा। बात समझ में आया कैसे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 10 है और 1 से छोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या 10 से बड़ा आंसर आया था, 10 से छोटा आता है, 10 से छोटा ही आएगा, देखा। तो ये नॉर्मल सा मैथ्स है, इतना समझना पड़ता है अपने को कि ये राइट साइड वाला बिग रहा होगा। तो एक्स एम बाई एक्स एन इज बिगर देन वाई एम बाई वाई एन, ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है अपने को, एक्स एम बाई बिगर, नहीं नहीं ये स्मॉलर है, ये बिगर है, एक्स बाई एक्स एम बाई एन इक्वल इज ग्रेटर देन वाई एम बाई वाई एन। क्लियर, समझ आ गया कि आर एच एस बड़ा था क्योंकि यहाँ पे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एवरी वन।